बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं जो रेस्टोरेंट स्टाइल कुनाफा विद ओवन। ओवन के साथ बनाएंगे हम ये कुनाफा। ये इसकी सवाइयाँ ले ली हैं, ठीक है जी। इसको हम ऐड करेंगे इसको अच्छे तरीके से। हम अब की बार मैंने पहले कुनाफा की रेसिपी बताई थी चूल्हे वाली, चूल्हे पर आराम से बन जाती है। तो अब बना रही हूँ मैं, ये बना रही हूँ जी मैं तोड़कर। इसमें अच्छे तरीके से मैं इसको तोड़ लूँगी इनको, ठीक है। और साथ इसमें ऐड करूँगी देसी घी फौरी तौर पे साथ, ठीक है। ये डालती हूँ सबसे पहले। ये तकरीबन 400 ग्राम है। इसमें पहले डाल रही हूँ मैं फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, ये डाल लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बटर है, सॉरी अगर बटर है तो वो यूज़ कर सकते हैं, देसी घी है तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून, आप 4 टेबलस्पून जाएगा इन सब में, 400 ग्राम में 4 टेबलस्पून, ठीक है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ अच्छे से। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से बन जाएंगी। ये देखें, देख सकते हैं आप, ये देखें जी सब अच्छे से मैंने ये देखें मिक्स कर लिया फूड कलर और जो घी डाला था। अब इसको पैन में या कोई भी आपके पास ग्रिल वो है, ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए सब। अब हम इसको करेंगे बेक। 15 मिनट के लिए मैंने ओवन को प्री हीट कर लिए। अब मैं इसको सेट करूँगी पहले इसकी ट्रे को, फिर आपको वो दिखाती हूँ और फिर रखते हैं इसको ओवन। पहले करने लगी हूँ मैं देसी घी से इसको ग्रीस, टू टेबल स्पून ले लें या 1 टेबल स्पून से भी हो जाएगा। 2 टेबल स्पून बड़ा आसान हो जाएगा इसको उतारना, 2 टेबल स्पून बेस्ट होता है। मैंने भी यहाँ 2 टेबल स्पून लिया है, अगर कम हो तो उससे मैं बता रही हूँ कि 1 टेबल स्पून से भी गुजारा हो जाएगा। ये अच्छे से हो गई है हमारी बेकिंग ट्रे तैयार। अब इस पर ये लगा देंगे, ये देखें जी ये बिल्कुल हो गया तैयार। बाकी मैंने इसका मटेरियल बचा लिया और ये अब इसके ऊपर जो चीज़ और अकावी चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अकावी चीज़ है, ये मैंने ओपन करके ऐसे रख लिए, मैंने इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ओपन करके मैंने इसको रख लिया। इसको भी मैं सेम उसी तरीके से उसी उसमें डालूँगी मशीन में, अच्छा जी। ये बिल्कुल हो गया हमारा रेडी, एक लेयर लग गई है। बाकी जो मटेरियल था वो मैंने उसका बचा लिया है और अब यहाँ पे अकावी चीज़ ले ली है। अकावी चीज़ को भी बिल्कुल उसी तरह चॉपर में डालूँगी मैं, इसको भी अच्छे से चॉप करूँगी, ठीक है। अब मैं आपको ये भी इसमें ऐड करने लगी हूँ, मैं ऐड करके इसको चॉप करके दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छा जी ये देखें, ये भी अच्छे तरीके से मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक सी हो गई। ये देखें, ये इसके ऊपर सारी मैं लगा दूँगी। अच्छा जी, इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए इसमें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़, 200 ग्राम ले लिए। और यहाँ पे ये ट्रे देख सकते हैं बिल्कुल सेट है, मैंने अच्छे से इसको रेडी कर लिया। अब इसको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी और इसके ऊपर सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मस्त डाली इसमें, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट मिलेगा कुनाफा का।
अब हम इस पर ये चीज़ जो हमने की थी अच्छे से चॉप, इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बाज़ारों से हम खाते हैं, बाहर से खाते हैं कुनाफा, बिल्कुल वैसा इसका इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से सेट करके हाथों से आपको दिखाती हूँ। अब हो गई जी इसकी लास्ट लेयर, इसके ऊपर फुल लोडेड चीज़ से, और ये इसके ऊपर लास्ट इसकी लेयर मैं सेट कर रही हूँ। ये देखें जी इसके ऊपर वाली भी लेयर हो गई कंप्लीट। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से दबाएंगे ताकि अच्छे से सब सेट हो जाए। चंद कतरे में देसी घी के, चंद कतरे कह लें या 1 टेबल स्पून ही कहा जाएगा। अब ये इसके ऊपर मैंने लगा दिए, दैट्स इट। अब मैं ओवन में इसको रख देती हूँ, ठीक है। जब तक हो रहा है जी कुनाफा रेडी ओवन में, तब तक हम रेडी कर लेते हैं उसका शीरा। सबसे पहले लिया यहाँ पर हॉट वाटर, माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं। उसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा बिल्कुल फूड कलर और 3 से 4 इलायची के दाने, ठीक है। इसको मिक्स किया, वेरी क्विक एंड वेरी इजी। उसके बाद इसमें पाउडर शुगर ऐड किया मैंने 4 टेबलस्पून तकरीबन, 1, 2, और ये देखिए फुल भरे हुए हैं, 3 एंड 4, दैट्स इट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा शीरा हो गया है रेडी। अच्छा, इसको जब ये अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, फिर 1 मिनट के लिए माइक्रो ओवन में अगर आप रखना चाहें तो रख लें। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा घी, ये देखें ये इसका शीरा हो गया है रेडी, दैट्स इट। ये देखें जी मज़ेदार सा हमारा कुनाफा तैयार है। मैंने इसको 15 मिनट के लिए ही ओवन में रखा था। अब हम इसको सर्व करेंगे, चाहें तो गरम गरम इस पर डाल सकते हैं इसका शीरा। और उसके बाद इस पर ऐड करेंगे हम पिस्ताशू, ये मैं निकाल लूँगी इसको इलायची को। और ये देखिए सॉरी, ये थोड़ा सा, ये देखिए, और मज़ेदार सा नफा रेडी। ये देखें जी ये है इसकी फाइनल लुक, कैसे ज़बरदस्त थी ये। इनके इसको आपको क्लोज दिखा दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।